स्टार प्लस के शो पांड्या स्टोर को इन दिनों काफी पसंद किया जा रहा है। शो के एक एक किरदार ने अपनी अलग पहचान बनाई है और ऑडियंस उन्हें खूब पसंद भी कर रहे हैं। वहीं शो में गौतम पांडे की मां सुमन पांडे का किरदार निभा रही एक्ट्रेस कृतिका देसाई खान का भी काफी दमदार रोल है। कृतिका टीवी का जाना माना चेहरा है। उन्होंने कई बेहतरीन शोज किए हैं जिनमें शांति, उत्तरण, राम मिलाई जोड़ी जैसे ढेरों शोज शामिल हैं। टीवी पर कृतिका ने अपने किरदारों से खूब कमाल किया है। आपको बता दें कि कृतिका ने खुद से 18 साल बड़े शख्स से शादी की थी। जी हां, कृतिका ने जाने माने डायरेक्टर इम्तियाज खान से शादी की थी। दोनों की एक बेटी भी है। कृतिका की जिंदगी काफी खुशहाल थी, लेकिन साल 2020 में कृतिका के पति के निधन से उनकी पूरी दुनिया ही पलट गई। कृतिका ने हाल ही में अपने पति के निधन और उनके गुजरने के बाद आई मुश्किल हालातों को लेकर बातचीत की है। एक न्यूज पोर्टल के साथ खास बातचीत में कृतिका ने बताया कि देश में लॉकडाउन लगने से ठीक 5 दिन पहले 16 मार्च 2020 को कृतिका देसाई के पति और बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर इम्तियाज खान का निधन हो गया था। पति को खोना कृतिका के लिए एक व्यक्तिगत झटका था और वो गहरे सदमे में आ गई थी। मुश्किल समय के बारे में बात करते हुए कृतिका बताती हैं, मेरे पति के अचानक निधन के बाद मेरी दुनिया ही उलट गई। लॉकडाउन के पक्ष और विपक्ष दोनों थे, क्योंकि एक तरह से उस शांति में अपनी बेटी आयशा के साथ घर पर चुपचाप ठीक होना अच्छा था। मुझे इस ट्रेजेडी से निपटने के लिए समय चाहिए था और लॉकडाउन ने मुझे वो समय दिया। दूसरी ओर उनके निधन के कुछ ही दिन बाद मेरी बेटी और मैं बिल्कुल अकेले रह गए थे। हमारे दुख के समय में कोई भी आकर हमसे मिलने या हमें सतावना देने नहीं आ सकता था। हमें अपने नुकसान की भरपाई अकेले ही करनी थी। कृतिका देसाई का कहना है कि यह बहुत दुखद था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अलविदा कहा वो काफी हर्टिंग था। कृतिका ने बताया कि उनके पति ने आखिरी वक्त में उन्हें क्या कहा था। कृतिका ने कहा, उन्होंने कहा था, चलो कृतिका मैं अब जा रहा हूँ, इतना कहकर आंख बंद कर ली थी। उस आखिरी पलों में उन्होंने अपनी आंखों से कई बातें कही थी। उन्होंने मुझे अपना प्यार और ताकत दी थी। इसने मुझे अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ने और मजबूत सहारा बनने का साहस दिया। मेरी बेटी उनके सबसे करीब थी। आपको बता दें कि 80 के दशक में बुनियाद का मंगला कहलाने वाली कृतिका ने कई दिलचस्प शो किए। साल 1988 में अपने पति द्वारा निर्देशित एक नाटक के लिए उन्होंने कास्ट करने के बाद वो इम्तियाज से मिली थी। उस समय कृतिका 23 साल की थी और इम्तियाज 41 साल के थे। कृतिका कहती है, हमने एक साथ रिहर्सल करना शुरू कर दिया और तभी हमें प्यार हो गया। ये स्पष्ट हो गया कि हम शादी करेंगे। वो एक प्रतिभाशाली, चार्मिंग और बुद्धिमान व्यक्ति थे। एक बार जब मैंने उन्हें बेहतर तरीके से जान लिया तो मुझे एहसास हुआ कि उम्र का अंतर बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। आपको बता दें कि कृतिका अब तक 30 से भी ज्यादा टीवी शोज कर चुकी हैं और इन दिनों कृतिका पांडे स्टोर से खूब लाइमलाइट बटोर रही हैं।